गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में प्रिज्म पढ़ा था, प्रिज्म से किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है प्रिज्म से, वो हमने देखा था। प्रिज्म क्या करता है, इंसिडेंट लाइट को डेविएट कर देता है। वहाँ पर हमारे पास जो डेविएशन एंगल था वो डेल्टा था, डेल्टा एंगल से उसको डेविएट कर दिया था नीचे की तरफ। प्रिज्म इंसिडेंट लाइट रे को अपने पास से डेविएट करता है, आपतित प्रकाश किरण को उसके पथ से क्या कर देता है, विचलित कर देता है। ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, वहां से हमें एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन मिला था और उस डेरिवेशन में हमें एक फॉर्मूला मिला था, प्रिज्म सूत्र, प्रिज्म फॉर्मूला, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमने एक ग्राफ भी बनाया था, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं प्रिज्म का एप्लीकेशन से। प्रिज्म का ही एक अनुप्रयोग है, क्या है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये प्रकाश की एक अलग घटना है, जैसे हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है, अपवर्तन पढ़ा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा है, तो प्रकाश की एक और नई घटना आ गई, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का वर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग, विक्षेपण का मतलब होता है छंटना, रंगों का छट जाना, ठीक है ना, प्रकाश के रंगों का छट जाना। कैसे प्रकाश के रंग छट जाते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। पहले हम श्वेत प्रकाश की बात कर लेते हैं। सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उसको हम श्वेत प्रकाश मानते हैं, और उस श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का युग्म होता है, 7 रंग उसमें एक साथ छपते हैं। सूर्य से आने वाला जो श्वेत प्रकाश है उसमें 7 रंग होते हैं, लेकिन जब वो वायु में गमन करते हैं तो वो 7 रंग साथ साथ ट्रेवल करते हैं। सभी रंग है वो 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करते हैं, तो सभी रंग साथ साथ चलते हैं, तो 7 रंग अगर मिलेंगे तो हमें श्वेत प्रकाश मिलेगा, इसलिए हमें वो श्वेत ही नजर आता है, अलग अलग रंग नजर नहीं आते हैं, क्योंकि 7 रंग वायु में 7 रंग एक साथ चलते हैं, समान वेग से गति करते हैं। हम साथ साथ वाली बात है कि वायु में हम साथ साथ चलेंगे, लेकिन अगर वो किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में श्वेत प्रकाश इंटर करेगा, तो दूसरे जो पारदर्शी जो माध्यम है, जैसे ही वो श्वेत प्रकाश उसमें इंटर करता है, तो उस दूसरे पारदर्शी माध्यम का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, ठीक है, वो अपवर्तनांक क्या कर देगा, अलग अलग रंग के लिए चाल है वो अलग अलग डिसाइड करता है, जिससे हम साथ साथ वाली कहानी इसमें अप्लाई नहीं होती है। इसमें क्या होंगे, सारे रंग है वो उनकी जो चाल है वो उनकी स्पीड है वो अलग अलग हो जाती है, ठीक है। श्वेत प्रकाश आ रहा है उसमें 7 रंग है, वायु में वो क्या है, सारे एक साथ चलते हैं, इसलिए वो श्वेत नजर आता है, 7 रंग मिलकर श्वेत प्रकाश का निर्माण करते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी दूसरे मीडियम में, ट्रांसपेरेंट मीडियम में, पारदर्शी माध्यम में इंटर करेंगे, तो उन सभी रंगों की चाल अलग अलग हो जाती है, वायु में समान चाल से, इसलिए वो 7 रंग हमें अलग अलग नजर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें जो श्वेत प्रकाश है, उस श्वेत प्रकाश में जो 7 रंग है उनको अलग अलग हम प्रिज्म के द्वारा करेंगे। हाँ, ये लेंस द्वारा भी हो सकता है, ओके, ये लेंस द्वारा भी हो सकता है, लेंस भी एक पारदर्शी माध्यम है, लेकिन प्रिज्म से हमें आसानी से देखने को मिलता है, लेंस से हमें बहुत कम देखने को मिलता है, बट सभी ट्रांसपेरेंट मीडियम में ये होता है। लेकिन हम यहाँ पर प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करेंगे, प्रिज्म से हम प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश आ रहा है उसको 7 रंगों में विभक्त करेंगे, किस प्रकार से क्यों विभक्त होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन व्हाइट लाइट इंसिडेंट वन रिफ्रेक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म देन इट स्प्लिट
इंटू सेवन कलर्स दिस फिनोमिना ऑफ लाइट is called dispersion of light. Okay, when white light incident one reflecting surface of a prism, then it split into seven colors. This phenomena of light is called dispersion of a light. Okay. जब व्हाइट लाइट है वो हमें पता है कि प्रिज्म में दो रिफ्रेक्टिंग सरफेस होते हैं, किसी एक रिफ्रेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होगी व्हाइट लाइट तो वो सेवन कलर में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो व्हाइट लाइट का इस प्रकार से सेवन कलर में स्प्लिट होना, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं, कि जो व्हाइट लाइट है वो सात रंगों में अलग अलग विभाजित होगी, दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्शन ऑफ ए लाइट। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये डेफिनेशन नोट कर लेंगे। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म के किसी अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म के किसी अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है तो वह सात रंगों में विभक्त हो जाता है। वो रंग कौन कौन से होंगे सात, वो हम देखेंगे। तो वह सात रंगों में विभक्त हो जाता है, कौमा यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से श्वेत प्रकाश का जो सात रंगों में विभाजित होना ही क्या है, वर्ण विक्षेपण है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है ना, ओके। तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। इसका अगर हम रे डायग्राम देखें, किरण चित्र इसका देखें, तो ये प्रिज्म है ओके, ये अपने पास प्रिज्म हो गया, ये बेस है, ये आधार हो गया प्रिज्म का। ठीक है, इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अपवर्तक पृष्ठ है। यहां से कोई श्वेत प्रकाश आ रहा है, ये हमने इस पर श्वेत प्रकाश आपतित कर दिया, ये व्हाइट लाइट है। श्वेत बोले थे सफेद प्रकाश एयर में ट्रेवल कर रहा है, एयर में श्वेत ही दिखेगा क्योंकि सातों रंग है वो सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन ये जैसे ही प्रिज्म में एंटर किया तो प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है तो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा, तो वो क्या करेगा, जो सात रंग है श्वेत प्रकाश में उन सभी रंग के लिए सेम वेलोसिटी या सेम स्पीड या सेम चाल प्रोवाइड नहीं करेगा, उनके लिए अलग अलग स्पीड प्रोवाइड करता है। मैंने आपको बताया था किसी भी मीडियम का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो उस मीडियम में स्पीड जो लाइट की स्पीड है उसको डिसाइड करता है कि कोई भी जो लाइट है वो किस स्पीड से जाएगी। तो जैसे ये एयर में तो ये साथ साथ चल रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रिज्म एंट्री किया तो प्रिज्म का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कहेगा तुम साथ साथ बहुत चल लिए, अब अगर मेरे अंदर से अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें मेरे अनुसार चलना पड़ेगा, उसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के अनुसार, उसके अपवर्तनांक के अनुसार चलना पड़ेगा। कैसे चलेंगे देखो, इसका एक्चुअल पथ ये है ओके, इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये इसके लिए नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो हमें पता है कि ये लाइट रे है वो एयर टू ग्लास में जा रही है तो टुवर्ड्स टू द नॉर्मल ही आएगी। ठीक है, टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आएगी। लेकिन अगर हम रेड कलर की बात करें तो देखिए रेड कलर है वो ये रेड कलर होगा, इसमें डेविएशन सबसे कम होगा, उसके बाद में येलो कलर होगा,
सॉरी ऑरेंज होगा, उसके बाद में येलो कलर होगा, उसके बाद में ऐसे सेवन कलर में स्प्लिट हो जाएगी। सेवन कलर में स्प्लिट होगी, ओके। अगेन ये आगे और स्प्लिट हो जाएगी ऐसे, ओके। ये रेड कलर होगा, ये नीचे से देखें तो ये वॉयलेट कलर है, ये इंडिको है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, ओके। एक्चुअल पाथ तो जो लाइट का था वो ये था। यहां पर अगर हम रेड कलर में डेविएशन देखें तो रेड कलर में ये डेविएशन हो रहा है, डेल आर मान लिया रेड कलर में डेविएशन, और वॉयलेट जो कलर है उसमें जो डेविएशन है वो ये है, डेल वी मान लिया। तो रेड कलर है उसको सबसे कम क्या करता है, डेविएट करता है, क्यों करता है वो हम आगे देखेंगे। और वॉयलेट कलर का जो डेविएशन है सबसे ज्यादा है, और बाकी जो कलर है उनका डेविएशन वो इनके बीच में होगा। कहने का मतलब रेड कलर को सबसे, ये जो इसमें जैसे ही इंटर करेगा व्हाइट लाइट तो रेड कलर में डेविएशन सबसे कम आएगा, ओके। और वॉयलेट कलर है, सात रंग हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, रेड कलर में डेविएशन सबसे कम होगा। रेड कलर को ये जो प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कम विचलित करता है, लेकिन वॉयलेट कलर को सबसे ज्यादा विचलित करेगा, क्यों करेगा वो हम देखेंगे। तो आप ये रे डायग्राम बना लेना, ओके। अब इसका रीजन देखते हैं, रीजन क्या होगा वो हम देखते हैं, समझना। कोज ओ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण का कारण, वर्ण विक्षेपण का क्या कारण है वो हम देख लेते हैं, ओके ओके। हम यहां से देखते हैं कि एयर में तो ये सातों कलर वो साथ साथ चल रही थी, इसलिए सातों रंग मिलकर ये सफेद प्रकाश या व्हाइट लाइट को बना रहे थे। लेकिन जैसे ही ये प्रिज्म में इंटर किए तो ये सातों रंग है वो अलग अलग क्यों हो गए, स्प्लिट क्यों हो गए, साथ साथ नहीं चल सकते थे क्या, पहले तो साथ साथ चल रहे थे। अब उनमें क्या नाराजगी आ गई कि वो सबने अपना पाथ है वो चेंज कर लिया है, ये तो साथ साथ चल रहे थे। ऐसे प्रिज्म ने ऐसा क्या किया कि ये जो व्हाइट लाइट थी इसको सेवन कलर में स्प्लिट कर दिया। अभी देखते हैं क्या कारण है, क्या रीजन आया इसमें, क्या रीजन होगा। देखिए अलग अलग हमें पता है कि सेवन कलर है इसमें, अलग अलग कलर के लिए वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग कलर के लिए वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है। मैंने कहा कि वेवलेंथ जो है लेमडा, रेड कलर की सबसे ज्यादा होती है वेवलेंथ, उसके बाद में किसकी होती है, उसके बाद में इसकी ऑरेंज की, उसके बाद में किसकी होती है येलो की, उससे कम मतलब ये घटते हुए क्रम में चल रहा है, उसके बाद में ग्रीन की, उसके बाद में ब्लू की, उसके बाद में इंडिगो की, और सबसे कम जो होती है वो किसकी होती है, वॉयलेट की होती है, ठीक है। वेवलेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की वेवलेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है।
रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ वो मिनिमम में होती है। ओके, वेवलेंथ डिफरेंट होने से क्या होगा, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट करवाया था कहां पर, जब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, ठीक है ना, डिपेंडेंसी ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमने देखा था, तो मैंने आपको वहां पर लिखा था कि जो लाइट की जो वेवलेंथ है या कलर है उस पर डिपेंड करता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से। ओके, तो हमें पता है कि वहां पर हमने देखा था कि एन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लेमडा होता है। किसी भी मीडियम का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो कलर की वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, प्रिज्म का कम होगा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ से देखिए, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे अधिक है, मैक्सिमम है, तो इसके लिए प्रिज्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, रेड कलर की बात करें तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है, इसलिए उसके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, हमने रेड कलर के लिए इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एनआर ले लिया, वो क्या होगा, मिनिमम होगा। और वॉयलेट है, बाकी तो कलर है वो इसके रेंज में ही आ जाएंगे, हम मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो क्या है, मिनिमम है, ठीक है, तो उसके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उसके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, अब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, तो हमें पता है कि अलग अलग कलर की हमें पता है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या करता है, क्या करता है, उसकी स्पीड को डिसाइड करता है, ठीक है। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर अलग अलग कलर के लिए अलग अलग है, तो अलग अलग कलर के लिए प्रिज्म में जो लाइट की जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। बोले तो अलग अलग, यहाँ पर सारे जो कलर है वो सेम स्पीड से चल रहे थे, बट यहाँ पर जैसे ही ये व्हाइट लाइट इस प्रिज्म में इंटर करेगा तो सभी कलर के लिए अलग अलग स्पीड प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अलग अलग कलर के लिए इस प्रिज्म के मटेरियल का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ओके, रेड कलर के लिए मिनिमम होगा, मिनिमम होगा, हमें पता है कि एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, स्पीड ऑफ जो लाइट होता है मीडियम वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से आप देख सकते हो कि अगर ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसके लिए, रेड कलर के लिए मिनिमम है, तो रेड कलर की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और वॉयलेट कलर की जो स्पीड होगी, वॉयलेट कलर की स्पीड वो क्या होगी, मिनिमम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। तो कहने का मतलब जैसे ही ये लाइट है वो इस प्रिज्म में इंटर की, तो लाइट जो रेड लाइट है उसको तो वो मैक्सिमम स्पीड से ट्रेवल करवाएगा, और वॉयलेट लाइट है उसकी स्पीड को सबसे कम कर देगा, और बाकी रंगों की स्पीड इसके बीच में कर देगा, ठीक है ना। अब स्पीड चेंज होने से क्या हो गया, डेविएशन से क्या हमें मिला कि यहाँ पर डेविएशन, ये रेड कलर सबसे ज्यादा डेविएट क्यों हुआ, वॉयलेट कलर सबसे कम डेविएट क्यों हुआ। देखो, ये हमने फॉर्मूला देखा था, ठीक है, कि डेल जो मिनिमम होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है, एन टू वन माइनस वन इंटू ए होता है, ठीक है। ये हमने अभी जो पिछले वीडियो में हमने जब प्रिज्म फॉर्मूला निकाला था तो हमें लास्ट में ये फॉर्मूला मिला था, जब हमने प्रिज्म एंगल को वेरी स्मॉल लिया था, आया था ना ये, वहां पर मैंने बताया था कि जो डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन है, दैट इज डिपेंड्स ऑन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म, इस प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर कर रहा है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो डेल जो मिनिमम होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एन टू वन। ओके, तो हम देखें तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया कि जो डेविएशन है वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमें यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है जिस कलर के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से कम है प्रिज्म के मटेरियल का, प्रिज्म के पदार्थ का, उसके लिए डेविएशन क्या होगा, क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ठीक है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो डेविएशन है ज्यादा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम तो डेविएशन कम। अब यहां से देखो, रेड कलर के लिए ये वेवलेंथ सबसे ज्यादा है,
इसलिए इसमें जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम होगा। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है तो रेड कलर के लिए, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रेड कलर के लिए यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेड कलर के लिए हम डेल आर ले लिया तो यहाँ पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मिनिमम है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डेविएशन भी रेड कलर में मिनिमम आएगा। यहाँ पर देखिए तो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ क्या है, मिनिमम है तो वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या आएगा, मैक्सिमम है तो डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से। तो ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर मैक्सिमम है तो डेविएशन भी वॉयलेट कलर में क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा और बाकी कलर में इसके बीच में आएगा। तो हम इस डायग्राम से यही देख रहे हैं कि रेड कलर में डेविएशन सबसे कम आया है, सबसे कम है, और वॉयलेट कलर में डेविएशन सबसे ज्यादा आया है, ठीक है ना। तो क्यों ये सेवन कलर में स्प्लिट हो गया, इसको मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि इस प्रकार से डिपेंडेंसी है। वो बहुत ही मतलब एक कॉन्सेप्चुअल ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इस पर रीजनिंग क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। अब देखिए दोबारा मैं इसको समझा देता हूँ कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ लाइट वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है, ठीक है, क्या कारण है, देखिए सुनिए, ठीक है। अलग अलग कलर के लिए जो अलग अलग कलर की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है ना। डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ अगर डिफरेंट होगी तो हम यहाँ से देखें, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है ना। यहाँ से हम देखें कि जो वेवलेंथ है किसी भी कलर की, जो वेवलेंथ है वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, जिसके लिए वेवलेंथ सबसे कम होगी उसके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। कम है तो ज्यादा, ज्यादा है तो कम होगा, ठीक है। अलग अलग कलर की वेवलेंथ अगर अलग अलग है तो अलग अलग कलर के लिए प्रिज्म के मटेरियल का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अलग अलग होगा। और अलग अलग कलर के लिए अगर प्रिज्म के का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो अलग अलग कलर के लिए डेविएशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ओके। रेड कलर की वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होती है तो रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम है तो उसके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मिनिमम होगा, और उसके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मिनिमम है तो उसके लिए डेविएशन क्या होगा, मिनिमम होगा। वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो मिनिमम होती है तो उसके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर मैक्सिमम है तो डेविएशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये यहाँ से हमें देख रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है ना, इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, इस टॉपिक की मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है, ओके। समझ लेना यहाँ पर अच्छे से, इसको समझ में आ गया ना, ओके। अब देखिए ऑर्डर ऑफ कलर फ्रॉम द बेस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के आधार से इन रंगों का क्रम क्या होगा, नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा। प्रिज्म के आधार से, देखो आधार ये है, आधार से इन रंगों का क्रम क्या है, आधार से चले तो वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये क्रम आता है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, देखिए ऑर्डर होगा आपका क्या होगा, वॉयलेट, उसके बाद में क्या आएगा, इंडिको, इसके बाद में ब्लू, इसके बाद में ग्रीन, उसके बाद में येलो, उसके बाद में ऑरेंज, और सबसे लास्ट में क्या, रेड। प्रिज्म के बेस से देख रहे हैं, प्रिज्म के बेस से देख रहे हैं, अगर इधर से देखेंगे तो ये आ जाएगा, इधर से बेस से पूछते हैं तो ये ऑर्डर होगा, ठीक है ना। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, कि ये वेवलेंथ के ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में आपकी वेवलेंथ मिलेगी, इसी ऑर्डर में आपको वेलोसिटी मिलेगी, इसी ऑर्डर में आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मिलेगा, इसी ऑर्डर में आपको डेविएशन मिलेगा, ठीक है, ओके। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना जरूरी है।
तो इसके लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसके लिए फॉर्मूला जो आएगा विभिगो, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है तो इस फॉर्मूले से इसको याद रख सकते हैं विभिगो से, ये ऑर्डर याद हो जाएगा विभिगो बोले तो फिर जबकि बेस से वो लेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ओके। हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे बेंजानी हप्पी नाला, बेंजानी हप्पी नाला, बेंजानी हप्पी नाला। बे का मतलब होता है बेंगनी, वायलेट, वायलेट का मतलब होता है बेंगनी होता है, क्या होता है बेंगनी होता है, और इंडिको का मतलब होता है जामुनी, और नी का मतलब ये ब्लू का मतलब होता है नीला, ग्रीन का मतलब आप जानते हो हैरा, पी का मतलब है पीला, येलो पीला आ गया, ओके। ऑरेंज बोले तो नारंगी, संतरा, रेड बोले तो लाल। तो ये ऑर्डर, ये आप फॉर्मूला याद रख सकते हो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, बेंजानी हैप्पी नाला, ओके। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए इसकी मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। अब देखिए यहां से देखिए कि हमें प्रिज्म से सेवन कलर का एक ग्रुप मिला है, कंपोजिट मिला है, क्या मिला है कंपोजिट मिला है। तो इन सेवन कलर के कंपोजिट बोले तो रेड टू वॉयलेट या वॉयलेट टू रेड, ये जो सेवन कलर के जो कंपोजिट है इनको हम क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ओके। द कंपोजिट ऑफ सेवन कलर्स, द कंपोजिट ऑफ सेवन कलर्स obtained from the prism is called a spectrum. जो सेवन कलर का जो कंपोजिट है, समूह है, ओके, जो क्रमबद्ध समूह है, प्रिज्म से प्राप्त सात रंगों का जो क्रमबद्ध समूह है उसी को हम क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्रमबद्ध क्रम में, ये नहीं है कि ऑरेंज कहीं भी लिख दिया, रेड कहीं भी लिख दिया, जो क्रम आया है इसी क्रम में ये जो है इस सेवन कलर के समूह को हम क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में आगे ना, ओके। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, देखो अगर हम सभी कलर को वेवलेंथ के ऑर्डर में, वेवलेंथ के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हमें पता है कि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, रेड कलर की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में किसकी होती है उससे कम ऑरेंज की, उससे कम येलो की, उससे कम ग्रीन की, उससे कम ब्लू की, उससे कम किसकी, मिटा देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट से इन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, सभी रंगों को हम उनकी वेवलेंथ के ऑर्डर में अगर अरेंज करें तो कैसे होगी, मैक्सिमम तो मिनिमम लिख लेते हैं, सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड की होती है, उससे कम किसकी होगी ऑरेंज की, उससे कम किसकी होती है येलो की, उससे कम किसकी होती है
से कम ग्रीन की, उससे कम किसकी होती है? ब्लू की, उससे कम किसकी होती है? इंडिगो की, उससे कम सबसे कम किसकी होती है? वायलेट की होती है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का ये ऑर्डर रहेगा। आप फॉर्मूले से देख सकते हो, पिबग्योर, पिबग्योर, ओके, सबसे ज्यादा रेड की होती है, सबसे मिनिमम किसकी होती है? वायलेट की होती है, ठीक है ना। ये तो आ गया वेवलेंथ, ये तो आ गया वेवलेंथ, तरंग धीर्य का क्रम आ गया, ये किसका क्रम आ गया? तरंग धीर्य का। सबसे अधिक तरंग धीर्य लाल की होगी और सबसे कम तरंग धीर्य हो बैंगनी की, बाकी सब इसके बीच में आ गई अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, फॉर्मूले के अनुसार बन जानी हैप्पी डाला, ओके। इन ऑर्डर ऑफ स्पीड, स्पीड के अगर क्रम में लिखें तो स्पीड के क्रम में क्या लिखा जाएगा बताइए? वेवलेंथ के हमें पता है कि जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? वेवलेंथ होती है। क्या होती है? वेवलेंथ। तो जिस ऑर्डर में वेवलेंथ आएगी उसी ऑर्डर में क्या आएगी? स्पीड आएगी। तो सबसे ज्यादा प्रिज्म में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है? रेड की होती है, मैंने बताया था आपको। और सबसे कम स्पीड किसकी होगी? वायलेट कलर की होगी। तो अगर स्पीड को वी से रिप्रेजेंट करें तो यह आ जाएगा, सबसे अधिक स्पीड होगी वो रेड की होगी, यही ऑर्डर आपका ऊपर वाला ही ऑर्डर आ जाएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्पीड, सबसे अधिक स्पीड है, सबसे ज्यादा चाल किसकी होगी? लाल रंग की प्रिज्म में। और सबसे कम चाल किसकी होगी? सबसे कम चाल, सबसे कम स्पीड जो होगी वो प्रिज्म में वो वायलेट कलर की होगी, ठीक है ना, ओके। तो ये दो ऑर्डर आ गए, समझ में आ गया ना। अब देखिए, इन ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के क्रम में देखें तो बताइए सबसे कम रिफ्रेक्टिव, हमें पता है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? लेमडा है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हम स्पीड भी लिख सकते हैं। तो जिसके लिए वेवलेंथ ज्यादा है उसके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ या सबसे ज्यादा स्पीड किसकी थी? रेड कलर की थी। तो उसके लिए सबसे कम आएगा, क्या आएगा? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वायलेट कलर की। तो उसके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा आएगा। तो सबसे ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसके लिए होगा? वायलेट कलर के लिए होगा। तो वायलेट कलर के लिए सबसे मैक्सिमम, उसके बाद में इंडिगो, उसके बाद में इससे कम कम मतलब इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग जा रहा है, ठीक है ना। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जा रहा है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और सबसे लास्ट में आ गया रेड आ गया। तो रेड कलर के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, इनवर्स होगा, ठीक है ना। वेवलेंथ और स्पीड वाले ऑर्डर से इनवर्स होगा, ठीक है ना, क्योंकि इनवर्स भी प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ और स्पीड के। तो सबसे ज्यादा जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा प्रिज्म का वो वायलेट कलर के लिए होगा, बैंगनी कलर के लिए होगा। सबसे कम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे कम जो होगा वो रेड कलर के लिए होगा, ओके। अब देखो लास्ट, इन ऑर्डर ऑफ डेविएशन, अगर डेविएशन के ऑर्डर में लिखें तो मैंने आपको बताया था कि डेविएशन जो है डेल मिनिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टू वन आया था। इसका मतलब जिसके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे कम है उसके लिए डेविएशन कम, और जिसके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है उसके लिए डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब डेविएशन है वो इसी जो जिस ऑर्डर में अपना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक आया है उसी ऑर्डर में अपना डेविएशन आएगा। तो सबसे अधिक डेविएशन किसका होगा? वायलेट का होगा, फिर कम होता जाएगा सभी कलर का, डेविएशन को हम डेल से रिप्रेजेंट करेंगे, और सबसे कम जो डेविएशन होता है वो रेड कलर में होता है, जो हम डायग्राम में भी देखा था कि सबसे कम जो डेविएशन आया था वो रेड कलर में आया था, ठीक है।
तो ये फोर ऑर्डर आ गए, इनमें से आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि भी मैक्सिमम डेविएशन किसका होता है, मिनिमम डेविएशन किसका होता है। आपको कहे कि ब्लू और येलो, हम प्रिज्म पर एक बार ब्लू लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं और एक बार हम ऑरेंज लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, तो ब्लू और ऑरेंज में से किसमें प्रिज्म में डेविएशन ज्यादा होगा, तो किसमें डेविएशन ज्यादा होगा, ब्लू में ज्यादा होगा ऑरेंज से। तो जरूरी नहीं है कि वॉयलेट और रेड का ही पूछे, बीच से भी पूछ सकते हैं, ब्लू और ऑरेंज का पूछ लिया तो अगर आपको फॉर्मूला याद है और कॉन्सेप्ट याद है तो आप पता लगा सकते हो कि किस में डेविएशन ज्यादा होगा, किस कलर के लिए डेविएशन ज्यादा होता है। ठीक है ना, ओके। अब देखो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमें फॉर्मूले में भी काम में आती है, जो इसके लिए फॉर्मूला भी आएगा तो न्यूमेरिकल में काम में आएगा, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है वह एंगुलर डेविएशन, कोणीय विक्षेपण। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है, मैक्सिमम डेविएशन और मिनिमम डेविएशन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वही क्या होता है, कोणीय विक्षेपण होता है, एंगुलर डेविएशन। मैक्सिमम डेविएशन में से मिनिमम डेविएशन आपको सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो मैक्सिमम डेविएशन किसमें आया था, वॉयलेट में आया था, और मिनिमम डेविएशन किसमें आया था, रेड में। दोनों का जो डिफरेंस होगा वही, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्शन या कोणीय विक्षेपण बोलते हैं। ओके, तो द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर डेविएशन इन ए वॉयलेट कलर, एंगुलर डेविएशन वॉयलेट कलर में क्या था, डेल वी, एंड एंगुलर डेविएशन इन ए रेड कलर, ये एंगुलर डेविएशन है, ये वॉयलेट में, ये रेड में। ज्यादा किस में था, वॉयलेट में था, सबसे कम किस में था, रेड में था। ये रेड था, ये रेड था और ये वॉयलेट था। इन दोनों में जो डिफरेंस है, ये जो ये आएगा, इसी को हम बोलेंगे, यहाँ पर ये जो था डेविएशन वो क्या था, डेल आर था, और ये जो डेविएशन था वो क्या था, डेल वी था। तो ये डेल वी है और ये डेल आर है, तो सात रंग में कितना डेविएशन आएगा इनमें, तो इस डेल वी में से हम डेल आर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या जाएगा, डेल वी माइनस डेल आर, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। ओके, द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर डेविएशन इन ए वॉयलेट कलर एंड एंगुलर डेविएशन इन रेड कलर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। ओके ओके और नॉट ओके, ओके। तो प्रिज्म में हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, प्रिज्म में बैंगनी कलर में कोणीय विचलन तथा लाल कलर में कोणीय विचलन का अंतर जो होगा, कोणीय विचलन, इसको हम कोणीय विचलन बोल रहे हैं क्योंकि कोणी तो है, इसको विचलन ही तो था, इसको कोणीय विचलन बोल रहे हैं, ठीक है ना। बैंगनी कलर में कोणीय विचलन और लाल कलर में कोणीय विचलन में अंतर जो होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्शन या कोणीय विक्षेपण बोलते हैं। ये जो आएगा सातों जो रंग है, यहाँ पर ये रेड कलर था और ये हमारे पास क्या था, वॉयलेट कलर, इनके बीच में कितना एंगल है, ये तो इस ये टोटल तो क्या था, डेल वी था, ये क्या था, डेल आर था, ठीक है ना। तो डेल वी में से डेल आर घटा देंगे तो ये आ जाएगा ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोणीय विक्षेपण, कि सातों कलर वो कितने कोण पर है, ठीक है ना, उसको एंगुलर डिस्पर्शन बोलते हैं। ओके, इट इज डिनोटेड बाय थीटा, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से, तो थीटा बराबर आ जाएगा अपना ये। ओके, ये आ गया अपना फॉर्मूला, ठीक है।
ये अपना जो फॉर्मूला आया है, अगर मान लो क्वेश्चन आ गया आपको एंगुलर डिस्पर्शन पूछ लिया, तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। अगर आपको डेविएशन इन ए वायलेट कलर और डेविएशन इन ए रेड कलर आपको दे रखा, तो आप इसमें रख सकते हो। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ, इसी फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स देखें, अगर इसको अप्रतनांक के पदों में इसको व्यक्त करें, क्योंकि अगर हमें वायलेट कलर और रेड कलर के लिए, ये तो डेविएशन हो गया, अगर वायलेट और रेड कलर के लिए डेविएशन न देकर आपको अप्रतनांक दे दिया हो कि वायलेट कलर के लिए प्रिज्म का अप्रतनांक इतना है, रेड कलर के लिए इतना है, तब क्या आएगा? देखो, ठीक है, हमने ये फॉर्मूला निकाला था कि डेल मिनिमम जो होता है दैट इज इक्वल टू होता है एन टू वन माइनस वन ए। हमें पता है कि डेविएशन और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में ये रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो फॉर वायलेट कलर के लिए देखें, इस फॉर्मूले को वायलेट कलर के लिए बनाएं, फॉर वायलेट कलर देखें तो ये आ जाएगा डेल वी एंड दैट इज इक्वल टू, यहां पर वायलेट कलर के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा एन वी माइनस वन इंटू ए, ए प्रिज्म एंगल होता है, ओके। और फॉर रेड कलर इसको अगर इस फॉर्मूले को लिखें, फॉर रेड कलर, रेड कलर के लिए देखें तो क्या आ जाएगा डेल आर डेट इज इक्वल टू एन आर माइनस वन इंटू ए। ये आ गया रेड कलर के लिए और ये आ गया आपका वायलेट कलर। सभी कलर के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। येलो कलर के लिए देखेंगे तो डेल वाई इज इक्वल टू एन वाई माइनस वन इंटू ए। तो इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूला भी आपको यूज में ले सकते हो, अगर आपको एनआर गिवन हो, अगर किसी भी कलर के लिए आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स गिवन हो और आपको प्रिज्म एंगल गिवन हो, तो आप उस कलर के लिए डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी कलर के लिए डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हो, बट उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए उस कलर के लिए और प्रिज्म एंगल पता होना चाहिए। अब ये दोनों इसमें पुट कर दो, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल वी की वैल्यू क्या है, एन वी माइनस वन इंटू ए माइनस, माइनस का है ना, एल आर की वैल्यू क्या है, एन आर माइनस वन इंटू ए। यहां से देखो ए बाहर आ गया, ए कॉमन आ गया, यहां से क्या बचा, एन वी माइनस वन, यहां माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एन आर प्लस वन, ए बाहर आ गया, वन से वन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू आ गया एन वी माइनस एन आर इंटू ए, ओके। ये जो फॉर्मूला है ये अपना एंगुलर डिस्पर्शन कोणीय विक्षेपण का है, बट ये जो फॉर्मूला है वो डेविएशन एंगल के टर्म में है, ठीक है। वायलेट कलर और रेड कलर में का अगर डेविएशन एंगल दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले से, लेकिन अगर आपको प्रिज्म एंगल, ये प्रिज्म कोण दिया हो, प्रिज्म एंगल दिया हो और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हो, डेविएशन ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हो वायलेट कलर के लिए और रेड कलर के लिए, तो आप इस फॉर्मूले को यूज में लेकर आप डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन या कोणीय विक्षेपण निकालोगे, ठीक है ना। तो ये दो फॉर्मूले हो गए, ये आपके डेविएशन एंगल के टर्म में, ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के टर्म में, ठीक है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो भी बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है, डिस्पर्सिव पावर। ये भी डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन है, ओके। इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा डिवाइडेड बाई डेल ए वाई, ओके और नॉट, ओके। तो डिस्पर्सिव पावर इज व्हाट, डिस्पर्सिव पावर इज दैट द रेशियो ऑफ थीटा क्या था अपना, एंगुलर डिस्पर्सन, द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन एंड व्हाट, एंगुलर डेविएशन इन ए मीडियम कलर और येलो कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म मटेरियल, ओके। तो ये तो अपना क्या होता है, डिस्पर्सिव, ये सॉरी एंगुलर डिस्पर्शन होता है। ये क्या है आपका जो येलो कलर है उसमें क्या है, डेविएशन है, ठीक है।
तो सबसे जो मिडिल में जो सबसे मिड जो डेविएशन कौन से कलर में होता है, आप देखोगे सेवन कलर है तो आप थ्री को इधर लोगे, थ्री को इधर लोगे तो अपना ग्रीन है वो बीच में आता है, देखो बी की ओर थ्री इधर ले लिए, थ्री इधर ले लिए, आप सोचोगे कि ग्रीन जो है उसमें डेविएशन सबसे बीच में आएगा, आएगा ना आपके हिसाब से, तो ग्रीन में डेविएशन बीच में आना चाहिए कि सबसे जो जो आपका मिडेस्ट जो डेविएशन होता है सबसे बीच में, मध्यवर्ती जो डेविएशन होता है वो किस रंग में होता है, तो मध्यवर्ती जो डेविएशन होता है वो आप करोगे ग्रीन में, नहीं येलो में होगा, उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होता है। तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग देखें तो जो आपकी जो वेवलेंथ आती है मिड में, जो वेवलेंथ आती है वोलेट और रेड के मिड में, इन दोनों से ले तो वो ये जो येलो कलर है इसकी वेवलेंथ है वो मिड में आती है, तो जो डेविएशन होगा जो आपका मध्यवर्ती या मिडेस्ट जो डेविएशन होता है वो येलो कलर में होता है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द डिस्पर्सिव पावर, द रेशियो ऑफ द एमुलर डिस्पर्सन एंड डेविएशन इन ए येलो कलर इज कॉल्ड द डिस्पर्सिव पावर, ओके, इट इज डिनोटेड बाई ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू दिस आ गया, और थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डेल वी माइनस डेल आर अपॉन ए डेल ए वाई, ओके और नॉट ओके, ओके ठीक है। इसको हम इन टर्म्स ऑफ ए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करें तो इस फॉर इसमें रख देते हम, ये जो वैल्यू आई थी थीटा की वो अपने पास आई थी एन वी माइनस एन आर इंटू के आया था इन टर्म्स ऑफ ए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ओके, और इसकी वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, एन वाई माइनस वन इंटू ए, ए से ए कैंसिल, तो ये जो फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ये आ गया अपने पास, ठीक है। ये आपकी यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, और थीटा होगा वो किस में मापा जाएगा, डिग्री में मापा जाएगा, थीटा किस में होगा, डिग्री में, जो आपका एंगुलर डिस्पर्सन था वो डिग्री में होगा, और ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है, थैंक यू। इस पर जो रिलेटेड क्वेश्चन है प्रिज्म, अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, प्रिज्म पर एक एप्लीकेशन था, ठीक है ना। तो अब मैं इसका एक एनिमेशन वीडियो भी आपको भेजता हूँ इसके, ठीक है ना, तो वो भी आप देखना, ठीक है। तो इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, थैंक यू। यहाँ पर लाइट की स्प्लिटिंग हो रही है, जब लाइट है वो किसी बल्ब से प्रिज्म पर आपतित होती है तो श्वेत प्रकाश है वो सात रंगों में विभाजित हो जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आपको जो पर्दा दिख रहा है उस पर्दे में हमें सात रंग प्राप्त होंगे, ऊपर से हमें लाल और नीचे हमें सबसे नीचे है वो वॉयलेट नज़र आएगा, ठीक है ना। ये इनकी तरंग दैर्ध्य के अनुसार ही सात रंगों में विभाजित हो जाते हैं, और ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा विबग्योर का।